हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लेटेस्ट ट्रिक में। एंड आज की इस वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह एसबीआई अकाउंट में आप कैसे बैलेंस और अपना मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, वो भी घर बैठे बिल्कुल फ्री है। दोस्तों आपको इसमें कोई चार्ज नहीं देना है, बस आपको एक SMS करना है या आप मिस कॉल करके ये अपना बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देंगे उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आप बहुत बार क्या होता है कि बैंक में बहुत भीड़ लगी हुई होती है एंड आप उसकी वजह से अपना बैलेंस चेक नहीं कर पाते। अब आपको वहाँ बैंक में भीड़ में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने SBI अकाउंट का बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट घर बैठे जान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने रजिस्टर्ड, अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही आप अपना अकाउंट का बैलेंस जान सकेंगे। तो आपको क्या करना होगा, अगर आपके अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको ब्रांच में उस मोबाइल नंबर को लिंक करा लेना होगा। एंड आप जैसे लिंक करा लेंगे उसके बाद आपको आप अपना बैलेंस घर बैठे जान सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी सी एक आपको एक नंबर पर या तो मिस कॉल देनी है या आप उस पर SMS कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको अपने SBI अकाउंट में लिंक मोबाइल नंबर से एक नंबर पर या तो आप उस पर मिस कॉल कर दीजिए। एंड अगर आप मिस कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप SMS भेज के भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपको इस नंबर पर अगर आप अपनी बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस जानना चाहते हैं, तो आपको इस नंबर पर या तो आप मिस कॉल कर दीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पर अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से जो भी आपका SBI में रजिस्टर मोबाइल नंबर हो उस पर आपको इस नंबर पर कॉल कर देनी है। एंड जैसे ही आप कॉल कर देंगे आपका कॉल थोड़ी देर में कट हो जाएगा अपने आप ही, आपको अपने आप कट नहीं करना है, वो खुद ही हो जाएगा। एंड उसके बाद थोड़ी देर बाद ही एक मिनट मुश्किल से एक मिनट बाद आपके मोबाइल पे इसका बैलेंस इंक्वायरी आ जाएगी। एंड उसके अलावा यार आप यहाँ पर SMS भेज के भी यहाँ पर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। आपको क्या लिखना होगा, आपको सिंपली यहाँ पर BAL कैपिटल लेटर में लिखना होगा एंड उसके बाद इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। ये भी आपको कुछ मुश्किल से एक मिनट में ये आपकी बैलेंस इंक्वायरी होके आ जाएगी, मतलब आपको अपना बैलेंस पता चल जाएगा। दोस्तों सेकंड ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट का। मिनी स्टेटमेंट में आपको क्या करना है, आप अगर मिस कॉल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कीजिए। आप सोच रहे हो कि ये नंबर दोनों तो सेम ही है, लेकिन दोस्तों ये सेम नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस नंबर में यहाँ पर 237 है एंड इसमें 09238 है, तो यही फ़र्क है इसमें दोस्तों मिनी स्टेटमेंट में एंड आपको उस नंबर में। तो दोस्तों आपको मिनी स्टेटमेंट चेक करने के लिए इस नंबर पर एक बार कॉल करनी है, आपका फ़ोन अपने आप खुद ही कट जाएगा एंड आपके एक मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे ये मैसेज आ जाएगा। या बस आपको एक ध्यान रखना है, आपको जो आपके मोबाइल नंबर में रजिस्टर SBI अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपको उसी से कॉल करना है एंड उसी से SMS करना है, तभी आपकी ये मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी हो पाएगी। एंड दूसरा ऑप्शन है दोस्तों SMS का। SMS में आपको क्या लिखना है, SMS में आपको लिखना है कैपिटल लेटर में लिखना है MTSMT। तो दोस्तों बस आपको ये लिखना है एंड आपको इस ऊपर वाले नंबर पर इस पर रीसेंड कर देना है। एंड दोस्तों एक मिनट के अंदर अंदर आपके ये आपको अपना बैलेंस मिनी स्टेटमेंट पता लग जाएगा।
तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। यार वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड आगे भी ऐसे वीडियो देखने चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।